नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लर्निंग कैपिटल के डेली करंट अफेयर्सों में, जिसमें हम रूबरू होते हैं देश और दुनिया के तमाम वो खबरें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का हम शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है, विजडन के लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020 के लिए किस खिलाड़ी को चुना गया है। ऑप्शन दिए गए हैं विराट कोहली, बेन स्टोक्स, केन विलियमसन और रोहित शर्मा। तो हाल ही में विजडन ने लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020 के लिए इंग्लैंड के खिलाड़ी बेन स्टोक्स को चुना, जबकि पिछली बार विराट कोहली 2019 के लिए विराट कोहली को चुना गया था। बेन स्टोक्स इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं और पिछले वर्ष 2019 में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को परास्त करके विश्व कप जीता और बेन स्टोक्स को प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था बेन स्टोक्स को। विराट कोहली भारतीय क्रिकेट कप्तान हैं, केन विलियमसन न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं और रोहित शर्मा भारतीय खिलाड़ी हैं। दोस्तों विजडन के लीडिंग क्रिकेटर अवार्ड्स की शुरुआत हुई 1889 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ESMA एक्ट लागू किया है। ऑप्शन दिए गए हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा। तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एसेंशियल सर्विसेस मैनेजमेंट एक्ट, आवश्यक वस्तुएं प्रबंधन अधिनियम लागू किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुएं प्रबंधन अधिनियम, यह एक पारित हुआ था 1968 में। इसमें इस एक्ट के तहत आवश्यक सेवाएं देने से इंकार नहीं किया जा सकता है और मध्य प्रदेश सरकार ने लागू किया है। मध्य प्रदेश में हाल ही मुख्यमंत्री बने हैं शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने स्थान लिया है कमलनाथ का। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, यहाँ के गवर्नर हैं लालजी टंडन। दोस्तों मध्य प्रदेश में सांची, भीमबेटका तथा खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल हैं। यहाँ पे कान्हा, किसली, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को ट्राइबल स्टेट भी कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पे भील, गोंड, बैगा, सहरिया तथा भारिया जैसे प्रसिद्ध जनजातियों के निवास स्थल है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड केयर ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शंस दिए गए हैं असम, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों कोविड केयर ऐप लॉन्च किया है अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार। अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के प्रयास में कोविड केयर ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से लोग संक्रमण से संबंधित जानकारी तथा मदद प्राप्त कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी दोस्तों ईटानगर, यहाँ के सीएम है श्री पेमा खांडू, गवर्नर श्री बीडी मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों माउलिंग तथा नामदफा जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए किस शहर को बफर जोन घोषित किया गया। ऑप्शन दिए गए हैं मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, पुणे। तो दोस्तों गुजरात के अहमदाबाद शहर को बफर जोन घोषित किया गया है। शहर बनावट को देखते हुए अहमदाबाद शहर को कोरोना संक्रमण से प्रभावित होने की संभावनाएं ज़्यादा थी, इसलिए इस शहर को बफर जोन घोषित किया है। अहमदाबाद है कहाँ पे दोस्तों? गुजरात पे। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, सीएम है श्री विजय रूपानी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों वर्ष 2017 में अहमदाबाद ऐतिहासिक शहर को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉलीवुड अभिनेत्री ऑनर ब्लैकमैन का निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से है। ऑप्शन दिए गए हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा। तो ब्रिटिश अभिनेत्री ऑनर ब्लैकमैन का हाल में निधन हो गया, वह थी कहां से? ब्रिटेन देश से। कहां से दोस्तों? ब्रिटेन से। ब्रिटेन की राजधानी दोस्तों लंदन और यहां के प्रधानमंत्री हैं श्री बोरिस जॉनसन कंजर्वेटिव पार्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पराग राजा को किस बीमा कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर तथा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं बजाज एलियंस, एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, SBI लाइफ इंश्योरेंस और इनमें से कोई नहीं। तो पराग राजा को एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का
बीमा कंपनी का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर में मोबाइल प्रोविजन स्टोर का आयोजन किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद और कोची। तो दोस्तों चेन्नई शहर में। चेन्नई शहर में लॉकडाउन के दौरान आवश्यक चीजों की आपूर्ति के लिए मोबाइल प्रोविजन स्टोर का आयोजन किया गया है। दोस्तों चेन्नई राजधानी है तमिलनाडु राज्य की और तमिलनाडु के सीएम है के पलानीसामी। यहां पे गवर्नर है श्री बीएल बनवारीलाल पुरोहित। तमिलनाडु राज्य में दोस्तों महाबलीपुरम के स्मारक तथा प्रसिद्ध चोल मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल है। इसके अलावा तमिलनाडु में कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं जो विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एक नजर उन पे हम डालते हैं दोस्तों। गुंडी नेशनल पार्क, मन्नार की खाड़ी, मुकुर्थी तथा इंदिरा गांधी जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने टेलीमेडिसिन सुविधाएं प्रारंभ की है। ऑप्शन दिए गए हैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने विशेषज्ञ से कोविड 19 से संबंधित सलाह लेने के लिए टेलीमेडिसिन सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने। हिमाचल प्रदेश की राजधानी दोस्तों शिमला, यहां पे सीएम है श्री जयराम ठाकुर, गवर्नर है श्री बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश में पिन वैली, खीरगंगा, ग्रेट हिमालय, इंदरकला तथा सिम्बालवारा जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड 19 से लड़ने के लिए किस संगठन ने ग्लोबल सॉलिडेरिटी का प्रस्ताव अपनाया है। ऑप्शन दिए गए हैं WHO, सार्क, आसियान और संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कोविड 19 से लड़ने के लिए ग्लोबल सॉलिडेरिटी का प्रस्ताव अपनाया है। यह संकल्प 188 राष्ट्रों द्वारा वैज्ञानिक ज्ञान सूचनाओं का आदान प्रदान द्वारा महामारी को समाप्त करने के लिए सहयोग के लिए आह्वान किया है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने। यह संयुक्त राष्ट्र का एक 6 अंगों में से एक महत्वपूर्ण अंग है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और वर्तमान में यूनाइटेड नेशंस के महासचिव जनरल सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुटरेश, जो कहाँ किस देश के हैं, पुर्तगाल। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी वर्ष 1948 में। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। SAARC साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, स्थापना हुई थी वर्ष 1985 में। टोटल मेंबर है 8। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1976 में। हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में और वर्तमान में मेंबर है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने अपने विधायकों के मासिक वेतन में 15% कटौती की घोषणा की है। ऑप्शन दिए गए हैं असम, बिहार, उड़ीसा और झारखंड। हाल ही में बिहार सरकार ने एक वर्ष के लिए मुख्यमंत्री, मंत्रियों तथा सभी विधायकों की मासिक वेतन से 15% कटौती की घोषणा की है और यह राशि कोविड 19 उन्मूलन कोष में जमा की जाएगी। दोस्तों बिहार पर नजर डालते हैं। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना, सीएम है यहाँ पे श्री नीतीश कुमार, गवर्नर है श्री फागु चौहान। यहाँ पे वाल्मीकि नेशनल पार्क प्रसिद्ध है बिहार में। इसके अलावा बिहार में महाबोधि मंदिर, नालंदा विश्वविद्यालय यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल है। दोस्तों आप डेली करंट अफेयर के PDF नीचे लिंक पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जाकर अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को शीघ्र ही सब्सक्राइब कर लें तथा आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।